नमस्कार, स्वागत है आपका। देश में और पूरे दुनिया में पिछले कई दिनों से रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में चर्चा गर्म। आखिर कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान और क्या चाहते हैं? दरअसल ये जो मुसलमान है वो 15वीं सदी के शुरुआती दौर में म्यांमार के रखाइन इलाके में आकर बसे। म्यांमार में ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की है, लेकिन अब एक अनुमान के मुताबिक वहां पर 10 लाख की आबादी मुसलमानों की है। अब वहां की सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया और यह आरोप लगाया कि ये जो मुसलमान है ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है। दरअसल हुआ क्या था, पिछले कुछ महीने में वहां पर कुछ पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ। वहां की सरकार ने कहा कि ये जो हमला है वहां के मुस्लिम समुदाय ने किया। इस पर वहां की सुरक्षा बलों ने कुछ ऑपरेशन चलाए, जिसके बाद वहां पर मुसलमानों के खिलाफ और भी ज्यादा हिंसक उग्रवाद फैलना शुरू हुआ। अब इसके चलते वहां के मुसलमानों ने तेजी के साथ वहां से पलायन करना शुरू किया। पलायन करने के बाद कुछ लोग बांग्लादेश और कुछ लोग हिंदुस्तान की तरफ आए। बांग्लादेश में कहा जाता है कि 3 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमान आए। एक अनुमान के तहत हिंदुस्तान में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से दाखिल हो चुके हैं। ये जो मुसलमान हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। अब मौजूदा वक्त की मोदी सरकार को इन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में डर और एक आशंका है कि ये मुसलमान आतंकी संगठनों के झांसे में आसानी से आ रहे हैं और आ चुके हैं। सरकार को मिले एक खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट आतंकी संगठन इनसे मिलने की और इनसे संपर्क करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। अब हिंदुस्तान में जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उनमें से 2 लोगों ने मोहम्मद समीउल्लाह और मोहम्मद शाकिर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका में कहा गया है कि म्यांमार में हो रही हिंसा से बचने के लिए उन्होंने भारत में शरण ली है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका पक्ष जानना चाहा है, जिस पर केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना था कि वहां पर स्थिति सामान्य होने के बाद हम उन्हें सही सलामत वापस भेज देंगे। अब इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम बाकी पड़ोसी देशों के साथ मिल करके और म्यांमार के साथ बैठ करके इसका हल निकाल लेंगे।